दोस्तों आज मैं आप लोगों को चार ऐसी अमेजिंग चीज़ बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने आने वाले चार महीने भी अच्छे से डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी देकर कहता हूं कि कुछ ही महीनों बाद आप एकदम से बदल के रह जाओगे। आने वाले नए साल में लोग आपको पहचान ही नहीं पाएंगे, आपके व्यक्तित्व में मैं इतना बदलाव ला दूंगा। बस आपको दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि बताए गए टिप्स आपकी लाइफ को एकदम से बदलने वाले हैं। और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस हो। और दोस्तों लास्ट वाला टॉपिक तो सबसे बेस्ट है, जिसे कि बड़े से बड़े लीडर और सक्सेसफुल लोग तक फॉलो करते हैं, तो उसे गलती से भी मिस मत करना। दोस्तों आज के बाद लोग आपको देखकर यही कहेंगे कि यार भाई आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने बदल गए, अब तो आप किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग कैसे बन गया है, आपके एटीट्यूड में एक अलग ही बदलाव सा गया है, आपके चेहरे पर यह कांति कहाँ से आई, आप इतने लीडर और कॉन्फिडेंस कैसे बन गए, हमें भी बताओ इसका राज क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो चार चीज़ें बताने वाला हूँ, उसमें सबसे पहला स्टेज है आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपको अपने फिजिक को बदलना है, जिसके लिए हमें किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी फालतू की प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें एक रियल और मर्द जैसी फिजिक बनाना है दोस्तों, ना कि प्रोटीन वाली जो कि सिर्फ फूली हुई दिखाई दे। और दोस्तों एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए हमें बस कंसिस्टेंसी से हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करना होता है, और वह आप घर पे भी कर सकते हो या फिर आप किसी पार्क में भी जाके कर सकते हो, जिसमें कि हमारी पहली एक्सरसाइज होगी रॉकिंग पुशअप, या फिर आप डायमंड रॉकिंग पुशअप भी लगा सकते हो। दोस्तों यह एक ही एक्सरसाइज आपके अपर बॉडी पार्ट्स को तेज़ी से इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके चेस्ट मसल, बैक मसल और जो कि आपके शरीर को एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव लुक देता है, वो आपके वाइड मस्कुलर शोल्डर तेज़ी से ग्रो करेगा। यह एक ही एक्सरसाइज अपर बॉडी को बिल्ड करने के लिए काफ़ी है दोस्तों। और अगर आपको शीघ्र पतन जैसी कोई समस्या है, तो इस एक्सरसाइज को करने से वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों रॉकिंग पुशअप करने से आपका स्टैमिना भी तेज़ी से बढ़ेगा, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपको शीघ्र पतन, नाइटफॉल, वीर जल्दी गिर जाना और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शारीरिक कमजोरी जैसी कोई भी परेशानी है, तो वह भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बस आपको इसके रिपीटेशन समय समय पर बढ़ाते जाना है। और दोस्तों मास्टरबेशन और गंदे वीडियोज़ देखना अभी से बंद कर देना है। और दोस्तों पुशअप के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, उन्हें भी ट्राई करते रहना, मतलब कि हर रोज़ पुशअप अलग अलग तरह से लगाना, खासकर डिक्लाइन पुशअप। आप जितना ज़्यादा लगाओगे आपके चेस्ट और बैक मसल उतने ही जल्दी से बिल्ड होंगे। और अगर आपके चेस्ट और बैक मसल वाइड मस्कुलर दिखेंगे, तो आप एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी नज़र आओगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। इसमें दोस्तों आपको करना होगा अपने लेग की एक्सरसाइज, जिसमें कि आप घर पर ही मल्टीपल स्क्वाड लगा सकते हो, जैसे कि लंजेस, साइड स्क्वाड, सुमो स्क्वाड, दंड बैठक, वन लेग स्क्वाड, और भी मल्टीपल था एक्सरसाइज है अपने लेग यानी अपनी नींव को मजबूत करने के लिए, जिसे आप YouTube पर देखकर सीख भी सकते हो। बस दोस्तों मेरी इस बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो इस आदत को बोर होकर छोड़ना मत, वरना आपकी ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं खुद घर पर एक्सरसाइज करता हूँ, तो कभी कभी डीमोटिवेट होकर सब कुछ छोड़ने का मन करता है, लेकिन दोस्तों हमको इन इमोशन में आकर गिव अप नहीं करना है। तो दोस्तों एक्सरसाइज जो कि हमारा हैबिट नंबर 1 को कंप्लीट करेगा, तो एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है हमें, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज ही हमारे माइंड में नए नए केमिकल्स को रिलीज़ करता है, जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए एक्सरसाइज को कभी भी मिस मत करो। और अब बात करते हैं नंबर 2, जिसमें कि होगा दोस्तों किसी के भी पीछे भागकर अपनी इज्जत का कचरा करने से लाख गुना अच्छा है कि आप अभी से अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ, वरना एक वक्त बाद आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना ही वो इंसान और ना ही एक अच्छा करियर। क्योंकि दोस्तों जिस लड़की के पीछे भागकर आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, अगर लाइफ में आप कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर वही लड़की आपके प्यार पर पांव रखकर किसी दूसरे सफल इंसान के साथ चली जाएगी, और यह सब आप देखते रह जाओगे, और फिर आपके पास पछतावा और किसी कोने में बैठकर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। इसीलिए अभी से अपने लाइफ में एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करना शुरू कर दो। हैबिट नंबर 3, जिसमें कि है दोस्तों अभी से आपको किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ देना बंद करना होगा। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा हूँ, जो कि ज़िंदगी में उखाड़ कर फेंकना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके एक्सक्यूज़ के कारण ही वह अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वह हमेशा इसी इंतज़ार में अपना कीमती समय गंवा देते हैं
कि कोई ना कोई तो उन्हें सपोर्ट करने वाला मिलेगा, तभी वो अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों आज एक सच बात भी जान लो कि कोई भी आपको सपोर्ट करने नहीं आने वाला। आप इसकी उम्मीद अभी से छोड़ दो और अभी से खुद को कमज़ोर और अकेला समझना बंद कर दो, क्योंकि यह कहावत तो आपने सुना ही होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप यही है कि अपने आप को अकेला और कमज़ोर समझना, जबकि भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अभी से खुद को मोटिवेट करना सीखो, क्योंकि आपके सिवा ऐसा कोई और आपके लिए यह काम नहीं करेगा। और अब मैं जो आखिरी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इसी मेन चीज़ की आदत आपको लगानी है और इस एक्सरसाइज को ज़िंदगी भर आपको फॉलो करना होगा अगर आप आगे ही आगे बढ़ना चाहते हो तो। दोस्तों जिस तरह एक गुलाब का फूल हमेशा कांटों से घिरे रहता है, उसी तरह आपको भी इन नेगेटिव लोगों के बीच में रहकर हमेशा पॉजिटिव सोच रखना होगा। देखो दोस्तों इस दुनिया में चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हो इस दुनिया में नाकामयाब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, क्योंकि दोस्तों इन नाकामयाब लोगों ने इल्यूजन का चश्मा जो लगा रखा है वह जानते भी है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसके बावजूद भी वह सच्चाई से मुंह फेर कर ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों इन नेगेटिव लोगों के बीच में खुद को पॉजिटिव बनाए रखना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क होता है और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। दोस्तों आप चाहे कितने भी सकारात्मक स्वभाव वाले व्यक्ति हो, लेकिन आपका सामना नकारात्मक स्वभाव वाले व्यक्ति से होगा ही होगा और हर कदम पर होगा, क्योंकि दोस्तों नकारात्मक लोग कहीं और नहीं बल्कि हमारे घर में और आस पड़ोस में तोहफे में मिल जाते हैं। तो इन लोगों के विचारों से अपने आप को जितना हो सके उतना बचा कर रखना होगा। और दोस्तों ऐसा आप तब ही कर पाओगे जब आप किसी लक्ष्य को पाने में एकदम से व्यस्त हो जाओगे, तब आपको उनसे बात करना तो दूर, उनसे मिलने का भी समय नहीं मिलेगा और उनके बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपना पूरा समय अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओगे। और दोस्तों अब आखिरी पॉइंट है जिसमें कि आपको हर रोज़ कम से कम 10 मिनट के लिए ही दुनिया से कट ऑफ होकर खुद में खो जाना है, यानी कि हर रोज़ कम से कम 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपका माइंड शार्प और फोकस्ड हो, ताकि आप किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सको। दोस्तों यही एक पावरफुल आदत है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े लीडर और पावरफुल लोग फॉलो करते हैं, और यही एक आदत है जो कि आपको शांत और पावरफुल बनाएगा अंदर से और बाहर से। तो दोस्तों कौन कौन इन चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है वो कमेंट्स में यस आई एम एक्सेप्ट दिस चैलेंज लिख देना। और अब दोस्तों सिर्फ लिखना ही नहीं है बल्कि इसे पूरा भी करना है, क्योंकि अब हम अपनी ज़िंदगी को किसी भी हाल में बदल के ही रहेंगे, अब हम अपने आप को कामयाब बना कर ही रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।